Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Junior College, University of Allahabad. And today I am going to discuss a very important topic under educational psychology, that is concept mapping. It is the subheading under the main topic of learning of concepts or concept learning, in which I have earlier discussed concept formation with you all. And today I am going to discuss concept mapping, that is Avadharana Manchitra. And the lecture will be in bilingual mode as usual, and will be very useful for various teaching examinations, because this is a very important concept. Okay, and do subscribe my channel too. So let's start. First of all, history. इतिहास अगर जानना चाहें अवधारणा मानचित्र का कि कहाँ से आया. अब तो हम लोग इसको इतना फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं. कंसेप्ट मैपिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप फ्लो चार्ट से कोई चीज समझाना चाहें तो बीच में आपका फोकस टाइटल पॉइंट होता है जो कि आप कंसेप्ट बताना चाहते हैं और उसकी पूरी मैपिंग हम एक बना देते हैं कि उसका क्या रिलेशनशिप बाकी कंसेप्ट से है, बाकी आइडियाज से है, क्या इंटरलिंकिंग है, क्या नोट्स है. तो कंसेप्ट मैपिंग कहाँ आया, सबसे पहले कब यूज किया गया. कंसेप्ट मैपिंग वॉज डेवलप्ड बाई प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन Joseph T. Nowak and his research team at Cornell University in the 1970s. यानी कि बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है ये. 1970 में ही, मात्र 1970 में ही कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में जोसेफ डी नोवाक और उनकी रिसर्च टीम ने काम करते हुए इसको बनाया. कैसे बनाया, क्यों बनाया? एज ए मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इमर्जिंग साइंस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स. जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनकी साइंस नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए. बाद में उन्होंने पाया इट हैड सब्सिक्वेंटली बीन यूज्ड एज अ वे टू इंक्रीज मीनिंगफुल लर्निंग इन द साइंसेज एंड अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. बाद में पाया गया कि सिर्फ साइंसेज के लिए नहीं बल्कि और सब्जेक्ट्स में भी मीनिंगफुल लर्निंग को इंक्रीज करने के लिए ये एक रास्ता हो सकता है. टू रिप्रेजेंट द एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड टीम्स इन एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड बिजनेस. यानी कि नॉट ओनली इन एजुकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज में, गवर्नमेंट मैटर्स में, बिजनेस में, हर जगह कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में, इन शॉर्ट, है ना, ताकि इन टोटैलिटी आपको एक व्यू मिल जाए, ओवरव्यू मिल जाए. और अगर हम लर्निंग थ्योरी के उसमें जाना चाहें तो कहाँ से इसका ओरिजिन मिलता है. कंसेप्ट मैप्स हैव देयर ओरिजिन इन द लर्निंग मूवमेंट कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविज्म. संरचनावाद ही इसका भी जनक है. तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी का. कितने ही कंसेप्ट यहाँ से इमर्ज हुए हैं. इन पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टिविस्ट्स होल्ड दैट लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज. क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या मान के चलते हैं कि जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है और एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है उसमें, मतलब खुद उस पर वर्क करता है. नोवाक्स वर्क इज बेस्ड ऑन द कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ डेविड ऑसबेल. अब आप याद करिए कि डेविड ऑसबेल की कौन सी थ्योरी है. डेविड ऑसबेल की थ्योरी सबसम्पशन थ्योरी है, जिसमें रिसेंटली अभी हमने एडवांस ऑर्गेनाइजर आपसे डिस्कस किया था. वो भी किस पर बेस्ड है? सबसम्पशन थ्योरी पे. सबसम्पशन थ्योरी क्या कहती है? वो कहती है कि लर्नर को अगर आप कुछ नया सिखाना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप उसके पढ़े हुए ज्ञान से इसको रिलेट करके, प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करके पढ़ाइए, तभी वो कुछ नया सीख सकता है. वो स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रायर नॉलेज इन बीइंग एबल टू लर्न और एसिमिलेट न्यू कॉन्सेप्ट्स. जब भी किसी न्यू कॉन्सेप्ट को एसिमिलेट कराना चाहते हैं आप स्टूडेंट के संग, तो आप उसकी प्रायर नॉलेज से रिलेट करके पढ़ाइए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग इज व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नोज, अकॉर्डिंग टू ऑसबेल, अकॉर्डिंग टू जोसेफ डी नोवाक. ये लोग क्या कह रहे हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कहा जाए सिंगल फैक्टर है जो कि लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो क्या है वो? ये है कि वो चीज जो लर्नर पहले से जानता है. ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म. वैसे हम कंस्ट्रक्टिविज्म पे पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक क्विक रिव्यू, सॉरी, कंस्ट्रक्टिविज्म पे. कंस्ट्रक्टिविज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी. कॉग्निटिव साइकोलॉजी से ही इसका उद्भव हुआ है. और क्योंकि क्रम कैसे चलता है, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, तो कॉग्निटिविज्म ही जाते जाते बाद में कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया. तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी से ही इसका उद्भव हुआ. और कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम किस पे बेस्ड है, किसके काम पे? पियाजे साहब, जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी जिनका जिन पर मेन काम है, ले वाइगोत्स्की, जीरोम ब्रूनर, हॉवर्ड गार्नर एंड नेल्सन गुडमैन. इतने लोगों का मेन कंस्ट्रक्टिविज्म पैराडाइम इनके काम पर ही बेस्ड है. और मेन अजम्पशन क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म का? कि नॉलेज डज नॉट एग्जिस्ट आउट देयर इन एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी. मतलब ये कहते हैं कि जो नॉलेज है वो कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है जो हर कोई उसको ऑब्जेक्टिवली उसी तरीके से देखेगा. वो कहते हैं कि ये सब्जेक्टिव रियलिटी है. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट खुद उस पर वर्क करता है. किस पर? अपने नॉलेज पर. अपने खुद ही कंस्ट्रक्ट कर रहा है अपनी नॉलेज रियलिटी, खुद ही कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो ऑब्जेक्टिव तो हो ही नहीं सकता. तो नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्ट from within by the learner. Okay.
Then concept mapping fits well with the constructivist approach that learners construct their own idiosyncratic understandings of concepts. यानी कि जो लर्नर है वो खुद अपने कंसेप्ट का निर्माण कर रहा है. देखिए किसी भी चीज का कंसेप्ट जैसा मैं समझती हूँ वैसा आप नहीं समझते, जैसा आप समझते हैं वैसा दूसरे बगल वाला नहीं समझता आपका, वैसा तीसरा आदमी नहीं समझता. क्यों? क्योंकि सबने अपने अपने प्रीवियस नॉलेज और प्रेजेंट जो उसको इंस्ट्रक्शनल मटीरियल मिला है उसके उस पर खुद वर्क करके अपने कंस्ट्रक्ट का अपने कंसेप्ट का कंस्ट्रक्शन किया है. द टीचर हु कंस्ट्रक्ट्स कंसेप्ट मैप्स फॉर क्लासेस इज इंटरेस्टेड in students understanding of relationships between facts, not just knowing the facts. मतलब कि वो टीचर जो कि क्लास में कंसेप्ट मैप बनाता है बच्चे के लिए स्टूडेंट के लिए, वो किस में इंटरेस्टेड होता है? ये जानने में कि जो फैक्ट्स है उसके बीच का इंटर रिलेशनशिप क्या है, ये इसकी समझ ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि सिर्फ आपको फैक्ट बता दिए जाए. ओके, कंसेप्ट मैपिंग क्या है कि आर टूल्स यानी कि ये उपकरण है किसके लिए? फॉर विजुअली ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग कंसेप्चुअल नॉलेज. यानी कि जो आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज है उसको हम एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म दे दें जिसको कि विजुअल मतलब कि देख के ही पता चल जाए कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं. दे आर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस मेड ऑफ ए कलेक्शन ऑफ कंसेप्ट्स. यानी कि कई कंसेप्ट्स को नोट्स के सहारे हम जोड़ के ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं. सीमेंटिकली लिंक टुगेदर यानी कि वो एक दूसरे से मीनिंगफुली जुड़े हुए हैं. ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें बिखरी हुई हैं और वो कंसेप्ट मैपिंग है. Semantically linked together सबसे ज्यादा जरूरी. They allow for the organization and association of ideas without the constraint of linearization inherent in written or oral expression. Written में क्या होता है, हम लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, तो उसमें इंटर रिलेशनशिप नहीं से पता चल रही है, एसोसिएशन नहीं पता चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं पता चल रहा है. लेकिन जब आप कंसेप्ट मैप बनाते हैं तो ये सारी चीजें उसमें इनहेरेंट होती हैं और ये क्रिएटिविटी को भी फेवर करता है. इसके अलावा क्या है, दूसरे शब्दों में देखें तो डायग्राम है, चित्र है, ठीक है, ग्राफिकल टूल है, ओके, ग्राफिक्स बना हुआ है, विजुअली रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप्स. वही बात आ गई फिर से, है ना, कि रिलेशनशिप को विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. किसके किसके बीच में रिलेशनशिप हम देखने जा रहे हैं? कंसेप्ट और आइडियाज के बीच. ओके, और मोस्ट कंसेप्ट मैप्स डिपिक्ट आइडियाज एज बॉक्सेस और सर्कल्स ऑल्सो कॉल्ड नोड्स. हम कहते हैं ना बॉक्स में बना देते हैं सर्कल सॉरी बॉक्स में बना देते हैं, सर्कल में बना देते हैं और उनको नोट से आपस में जोड़ देते हैं. हायरार्किकली स्ट्रक्चर होता है यानी कि जो सबसे ऊपर जिसका प्रोटोकॉल है वो सबसे ऊपर, उससे नीचे फिर उससे नीचे फिर उसके सब पार्ट्स, है ना. फिर अ कंसेप्ट मैप्स रिचनेस कैरेक्टराइज्ड बाय द नंबर ऑफ कंसेप्ट्स एंड लिंक्स बिटवीन देम इज दिस कंसिडर्ड टू रिप्रेजेंट द रिचनेस ऑफ द इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. मतलब उसकी रिचनेस इसी से पता चल रही है कितने सारे कंसेप्ट आपने आपस में जोड़े हैं. जितना ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही ज्यादा रिच होगा. Why use a concept map? क्यों नहीं हम सिर्फ टेक्स्ट से पढ़े पढ़ाएं या हम क्यों ही कंसेप्ट मैप का यूज ही करें? तो the brain processes visual 60,000 times faster than it processes text. यानी कि टेक्स्ट को हमारा ब्रेन जैसे प्रोसेस करता है उसे 60,000 गुना ज्यादा वो तेजी से विजुअल को करता है. तो इसलिए जब कंसेप्ट मैप के थ्रू कोई चीज हमारे सामने आएगी तो ब्रेन आप समझ सकते हैं कितनी जल्दी उस पर प्रोसेसिंग करके उसको समझने की कोशिश करेगा. डिजाइन एज अ टूल टू ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंट नॉलेज कंसेप्ट मैपिंग कैन हेल्प यू विजुअलाइज रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस कंसेप्ट्स एंड टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स. ये बात बार बार हो गई समझ में आ गई. थिंकिंग थ्रू एंड विजुअली रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन आइडियाज फॉर्म मेंटल कनेक्शंस दैट अलाउ फॉर बेटर रिटेंशन ऑफ नॉलेज. चूंकि हमको एक बार में सब दिखाई दे रहा है कि कंसेप्ट और आइडियाज कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक है, उनका रिलेशनशिप समझ में आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ रहा है, विजुअली फॉर्म में हमको दिख रहा है, तो मेंटल कनेक्शन जो हमारे ब्रेन में बनता है वो ग्रेटर रिटेंशन ऑफ नॉलेज उससे होता है, लर्निंग बेहतर होती है. दिस डायग्राम इज ए पॉपुलर वे टू कैप्चर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टॉपिक फॉर वर्क. हम सभी लोग जानते हैं, हमेशा हमसे बचपन से कहा जाता रहा है कि आप फ्लो चार्ट के थ्रू बताइए. तो क्या होगा कि वो जो एग्जामिनर है उसका भी वो अटेंशन सीख कर सकेंगे आप, है ना, क्योंकि उसको एक बार में समझ में आ जाएगा कि ये वाकई आपको कंसेप्ट के बारे में ज्ञान है. इट्स यूज मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन एकेडमिक्स बट द प्रोसेस कैन बी इजीली अप्लाई टू अदर फील्ड्स. वैसे पढ़ने पढ़ाने में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है पर ये कहीं भी इजीली अप्लाई किया जा सकता है अन्य क्षेत्रों में भी. बेनिफिट फॉर लर्निंग बहुत सारे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. फैसिलिटेट्स कॉम्प्रिहेंशन, है ना, आपके बोध को बढ़ाता है. सिंथेसाइजिंग इन्फॉर्मेशन, जो सूचना है उसका संश्लेषण करता है. इनकरेजेस ब्रेनस्टॉर्मिंग, हमारे मस्तिष्क उत्प्लवन को इनकरेज करता है. फोस्टर्स डिस्कवरी ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स, प्रोवाइड्स क्लियर कम्युनिकेशन, प्रमोट्स कोलैबोरेटिव लर्निंग, क्रिएटिविटी बढ़ाता है. आइडेंटिफाइड एरियाज दैट नीड फर्दर नॉलेज और रिव्यू, ये भी पता चलता है कि कौन से ऐसे एरिया हैं जिन पे फर्दर हमको नॉलेज की जरूरत है. तो बहुत सारे मतलब इन्यूमरस हैं, यहाँ तो मैंने कुछ ही लिखे हैं. When to make concept map? कब हमको लगे कि अब हमको concept map के through ही इसको बताने की जरूरत है, हमारा verbal या text काम नहीं देगा. तो कब कब?
जब प्रेजेंटिंग कंसाइज ओवरव्यू ऑफ ए फील्ड, आपको थोड़े में पूरा ओवरव्यू बताना है तो लिखने की जरूरत नहीं, आप कंसेप्ट में बना दीजिए. एब्जॉर्बिंग इन्फॉर्मेशन व्हाइल स्टडिंग फॉर एन एग्जाम, एग्जाम के लिए हम एकदम लास्ट टाइम प्रिपरेशन चल रही है तो हम क्या करेंगे, कंसेप्ट मैप बना लेंगे. असेसिंग स्टूडेंट्स ग्रास्प ऑफ ए पर्टिकुलर टॉपिक, हमको 5 मिनट में एक बच्चे से पूछना है कि उसने क्या पढ़ा, क्या लिखा, समझा, तो आप उसे कंसेप्ट मैप बनवा लीजिए, लिखने का लिखाने का टाइम नहीं है. कंसोलिडेटिंग नॉलेज, डिमॉन्स्ट्रेटिंग एन अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डिफाइनिंग नॉलेज दैट एग्जिस्ट्स इन योर हेड. बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आती हैं जबकि कंसेप्ट मैप बनाना ही बेस्ट होता है ऑप्शन आपके पास. आप देखिए यहाँ आया पहली बार कंसेप्ट मैप का चित्र, बहुत से लोग समझ गए होंगे, तो नहीं समझे उनके लिए भी कि इस तरह से हम लोग बनाते हैं ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया क्रिटिकल सॉरी क्रिटिकल डिजिटल लिटरेसी, ये बीच में मेन कंसेप्ट है सॉरी. तो यहाँ से जैसे कि इसके और जैसे कि कह रहा था ना कि बॉक्सेस में हो सकता है या सर्कल में हो सकता है, और ये आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है, रिलेशनशिप है कि कोड ब्रेकिंग हो सकता है, मीनिंग मेकिंग हो सकता है, यूजिंग एंड क्रिएटिंग, एनालाइजिंग, पर्सोना, फिर इससे भी पर्सोना का क्या मतलब, आइडेंटिटी बिल्डिंग, रेप्यूटेशन मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन, इस तरीके से पूरा ए कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमको तुरंत आपने बना दी और तुरंत सामने वाले के समझ में भी आ गई. तो कैसे बनाया जाए, सबसे पहले हम डिफाइन करें फोकस क्वेश्चन. तो हमारा फोकस क्वेश्चन हो गया कि हाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिटिकल डिजिटल लिटरेसी, सेलेक्ट की कंसेप्ट्स फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन. तो की कंसेप्ट हमने चुन लिए कि कोड ब्रेकिंग, मीनिंग मेकिंग, ये सारे हमारे की कंसेप्ट है. एड कंटेक्स्ट, अब हम इसमें कंटेक्स्ट ऐड करेंगे कि कोड ब्रेकिंग से ये सब कैसे रिलेटेड है, मीनिंग मेकिंग से ये सब कैसे रिलेटेड है. ये मैंने एक ऐसे ही डायग्राम ले लिया है, मतलब ये अभी इनकम्प्लीट है. क्यों? क्योंकि ये नहीं बता रहा है कि क्रिटिकल डिजिटल लिटरेसी का मीनिंग मेकिंग क्या है, कॉम्पोनेंट है, सब पार्ट है, क्या चीज है. ये भी यहाँ लिखा होना चाहिए, जब ये लिखा होगा यहाँ तो तब आपका कंसेप्ट मैप एक्चुअली सही कंसेप्ट मैप कहलाएगा. फिर रीअरेंज एंड इंटरलिंक कंसेप्ट, फिर हमको पुनः व्यवस्थित करना है और इंटरलिंक करना है कंसेप्ट को. तो मैंने बस फॉर एग्जाम्पल ले लिया आपके लिए. ओके, टाइप्स भी हैं कंसेप्ट मैप के. हम लोग जनरली क्या करते हैं, फ्लो चार्ट वाला ही ज्यादा सबसे ज्यादा यूज करते हैं ना, ये फ्लो चार्ट है, पर ये स्पाइडर मैप भी हो सकता है. इस तरह से हम बना रहे हैं, टॉपिक है और एक सब लिखा हुआ है, एक इधर से गया, एक इधर से गया, एक इधर से गया, कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ स्पाइडर की तरह बन गया ना, इसलिए ये स्पाइडर मैप है. इंसर्ट योर टाइटल हियर, हर जगह उसने अभी यहाँ कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ एक डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश की. फिर फ्लो चार्ट जैसा हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, टीचिंग की टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो, इसमें से निकला टीचिंग फिलोसफी, रिफ्लेक्शन ऑन टेक्नोलॉजी, फिर सैम्पल्स आए, ये इस तरीके से. हायरार्की मैप भी हो सकता है, मतलब कि सबसे ऊपर सबसे बड़ा, मॉलिक्यूल्स हैव मोशन, इंक्रीज्ड बाई हीट, डिटरमाइंड स्टेट्स, कैन बी सॉलिड, गैस, लिक्विड. तो सॉलिड, गैस, लिक्विड ऊपर नहीं पहुंच सकता है, मॉलिक्यूल्स ही ऊपर रहेगा. तो हायरार्की इसकी सेट है, इस तरीके का अगर मैप है तो ये हायरार्की मैप है. सिस्टम मैप, सिस्टम मैप है, देखिए ये सिस्टम है, अब सब चीजें इससे जुड़ी हुई हैं. ये देखिए ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, सब आपस में जुड़ा हुआ है ना. तो ये सिस्टम है कि बीच में एक जो भी आपका फोकस पॉइंट है वो सारी आइडिया से एसोसिएशन शो कर रहा है. तो ये बस एक टाइप है बताने के लिए कि इतने तरीके के कंसेप्ट में हो सकते हैं. फिर डिजिटल टूल्स फॉर कंसेप्ट मैप, अब देखिए डिजिटल वर्ल्ड ने हमारे लिए सब कुछ बहुत आसान कर दिया है ना. अब हमको जरूरत नहीं है कि हम पेंसिल और पेपर लेकर और बार बार रब करके, इरेज करके और फिर से बड़ी मेहनत से बनाएं. अब हमको ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे एप्स उपलब्ध हैं, फ्री डाउनलोडेबल, ओपन सोर्स, जिनसे कि हम ईजिली कंसेप्ट मैप बना सकते हैं. उसमें बस हमको पूरा वो हमको स्ट्रक्चर देता है, पूरा बैकग्राउंड देता है, हमको सिर्फ उसमें फिल इन दी ब्लैंक्स करना है कि हम कहाँ क्या रखना चाहते हैं. इसके अलावा वो कई तरीके से ऑर्गेनाइज करके दिखाता है कि आप इसको ऐसे बना लीजिए या ऐसे बना लीजिए. इसका डिटेल आउट मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं किया है कि ये फिर हम अपने फोकस से भटक जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल टूल्स भी कंसेप्ट मैप के लिए अब अवेलेबल हैं इजीली. मेनी फ्री ऑनलाइन और डाउनलोडेबल ओपन सोर्स एप्लीकेशंस अवेलेबल दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट कंसेप्ट मैप्स विद मेनी बीइंग एक्सप्रेसली डिजाइन फॉर दिस पर्पस, जैसे कि फ्री माइंड, माइंड मैप, सी मैप टूल्स एक्सेट्रा. बस तो आप अपने गूगल क्रोम पर जाके सर्च कीजिए फ्री माइंड, वो खुद ही दिखा देगा आपको. उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे रख लीजिए और जब भी आपको कंसेप्ट मैप बनाने की जरूरत है, सी मैप टूल्स बहुत यूज होता है. तो इतना मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट मैप भी आप इजीली बना सकते हैं और बहुत मतलब अट्रैक्टिव फॉर्म में. वो आपको बताएगा कौन सा कलर आप रखना चाहते हैं, क्या डिजाइन रखना चाहते हैं, ओवल शेप रखना चाहते हैं, बॉक्स रखना चाहते हैं, सर्कल रखना चाहते हैं, कैसा रखना चाहते हैं. इन्यूमरस उसके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं. ओके, तो कंसेप्ट मैप भी आज कंप्लीट हो गया. लर्निंग ऑफ कंसेप्ट में दो ही मेन चीज़ें पूछी जाती हैं, टॉपिक पूछे जाते हैं, कंसेप्ट फॉर्मेशन जो आपसे पहले डिस्कस किया जा चुका है, कंसेप्ट मैपिंग जो मैंने आज बताया. और कंसेप्ट फॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं हम उसकी जगह यूज़ कर लेते हैं, किसकी जगह, कंसेप्ट लर्निंग की जगह. तो मोर और लेस दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है,
तो कंसेप्ट फॉर्मेशन, कंसेप्ट लर्निंग और कंसेप्ट मैपिंग यू कैन से कि आई हैव कवर्ड. ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन सो दैट यू कैन कम्युनिकेट विद मी टू. ओके, डन फ्रॉम माई साइड.